आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस के लिए हार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ के मैदान पर गए थे इकाना स्टेडियम पर मुंबई की टीम मैच खेलने उतरी, लेकिन वहां भी मुंबई को हार का सामना करना पड़ा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 144 रन ही मुंबई की टीम बना पाई, उसे बड़े आराम से लखनऊ की टीम ने बना लिया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैच के बाद की कहानी भी वैसी ही सेम थी। हार्दिक पांड्या मैच के बाद आए, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई गलती हुई है। खुद इस मुकाबले में गोल्डन डक पर हार्दिक पांड्या आउट हुए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी विकेट गंवाने के चलते हम इस मुकाबले को हार गए हैं, इस मुकाबले से काफ़ी कुछ हमें सीखने की भी ज़रूरत है। हार्दिक ने मैच के बाद कहा है, मुझे लगता है कि जल्दी विकेट गंवा देने से रिकवर करना आसान नहीं होता है और हम भी आज ये नहीं कर सकें। आपको अभी भी गेंद को देखना होगा और हिट करना होगा। हमने वो गेंद मिस की है और आउट हो गए। अब तक हमारा सीजन इसी तरीके का रहा है। मैं हमेशा यकीन करता हूं कि आप उठेंगे और ऊपर रहेंगे। आपको सिर्फ अपना सब कुछ देना होगा। इस मैच से बहुत कुछ सीखने को है, ये शानदार रहा। साथ ही हार्दिक ने नेहल वडेरा की भी तारीफ की है। हार्दिक ने कहा है, मुझे लगता है कि नेहल वडेरा ने पिछले साल भी यही किया था। उन्हें टूर्नामेंट की शुरुआत में मौके नहीं मिले, लेकिन उन्हें बहुत प्रतिभा है और वो आगे चलकर भारत की तरफ से खेलते हुए भी नजर आएंगे। आईपीएल की शुरुआत में अगर देखें तो हार्दिक पांड्या के बयान और अब के बयानों में काफी अंतर नजर आता है। शुरुआत में हार्दिक का कहना था कि बहुत सारे मैचेस हमारे पास अभी हैं, हमारी टीम बाउंस बैक करेगी, लेकिन अब लगातार हार पर हार, ये सातवीं हार के बाद अब हार्दिक पांड्या मान चुके हैं कि सीजन उनके लिए अच्छा नहीं रहा है। अगले सीजन की तरफ अब सोचने की बात शुरू हो चुकी है। साथ ही अगर इस लखनऊ के मुकाबले की बात करें तो ना रोहित शर्मा वहां पर चले, ना हार्दिक पांड्या चले, इवन सूर्य कुमार यादव भी नहीं चले। मुंबई की बल्लेबाजी भी काफ़ी खस्ता हाल नजर आई है, तो मुंबई के लिए सीजन अच्छा नहीं रहा है। अगले सीजन की बात ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। हालांकि इसमें अच्छी बात यह है कि हार्दिक पांड्या अब ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ उनकी टीम ने अच्छा नहीं खेला है। शुरुआत में हार्दिक पांड्या एक्सेप्ट तक नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हार्दिक पांड्या मानते हैं कि मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, अगले सीजन में वो बेटर करने की कोशिश करेंगे। टीम इंडिया का अनाउंसमेंट भी कल ही हुआ, वहां पर हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन बने। उम्मीद थी कि भाई टीम अनाउंसमेंट के बाद कुछ हालात बदलेंगे, हार्दिक पांड्या का फॉर्म भी बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या खाता भी नहीं खोल पाए।